दोस्तों स्प्रिट फिल्म जो कि संदीप रेड्डी वांगा की एनिमल के बाद में आने वाली है, बहुत उम्मीदें आप लगा सकते हैं क्योंकि कबीर सिंह के बाद में एनिमल लेके आए, दोनों ही फिल्में ब्लॉकबस्टर, ऑल टाइम ब्लॉकबस्टर साबित हुई है। तो अब नेक्स्ट उनकी जो फिल्म है वो है स्प्रिट, और प्रभास के साथ ही है, तो बड़े जबरदस्त ये फिल्म होने वाली है। अब इसका विलेन के बारे में लगातार कुछ ना कुछ खबरें आती रहती है कि इसमें विलेन कौन होगा, क्योंकि संदीप रेड्डी वांगा की फिल्म के विलेन भी बहुत ही जबरदस्त होते हैं। आप जानते हैं एनिमल में बॉबी देओल ने जिस प्रकार से धमाल मचाया, जमाल कुडू तो एक बड़ा आइकॉनिक उनका करेक्टर है, छोटा सा करेक्टर था लेकिन। तो वैसे ही इस फिल्म के बारे में भी, विलेन के बारे में एक बड़ी हलचल तेज हो गई है कि विलेन कौन होगा, आखिर प्रभास के सामने विलेन कौन होगा। तो अब इसमें जो लेटेस्ट अपडेट्स आ रहे हैं उसमें एक तो ये है कि प्रभास डबल रोल में होंगे खुद, जिसमें एक उनका पॉजिटिव कैरेक्टर होगा, दूसरा नेगेटिव कैरेक्टर होगा, मतलब खुद भी विलेन है प्रभास इस फिल्म में। बड़ा मजेदार कॉन्सेप्ट लग रहा है। इसके अलावा दूसरा ये था कि एक कोरियाई सुपरस्टार है, नाम मुझे याद नहीं आ रहा फिलहाल, तो वो विलेन होंगे। इससे पहले खबर आई थी कि अभिषेक बच्चन को ऑफर किया गया विलेन का रोल, अभिषेक बच्चन को या बॉबी देओल को, दोनों में से किसी एक को विलेन लिया जाएगा, लेकिन बाद में जब इस खबर की सत्यता जानने को मिली तो हुआ कि अभी तक दोनों ही कंफर्म नहीं है, ना बॉबी देओल को अभी तक कंफर्म किया गया, ना ही अभिषेक बच्चन को कंफर्म किया गया है। हाँ, किंग फिल्म में जरूर अभिषेक बच्चन विलेन के रोल में नजर आने वाले। तो इसके बाद में अब जो लेटेस्ट खबर आ रही है उसके अनुसार सैफ अली खान तथा करीना कपूर इस फिल्म में विलेन होंगे। सैफ अली खान तथा करीना कपूर की जोड़ी इस फिल्म में विलेन होने वाली है। बड़ा मजेदार कंसेप्ट है, देखते हैं अगर ये होता है तो मजा काफी आएगा, लेकिन अभी ऑफिशियल नहीं है ये, लेकिन बड़ी खबर रही है, बड़ी चल रही है, लगातार सोशल मीडिया पे खबर चल रही है। अब देखते हैं इसको कन्फर्म कब तक हो जाती है खबर। इसके अलावा दोस्तों अगर अपन दूसरी बात करें इसी वीडियो में एक और फिल्म की जो कि काफी उम्मीद है, जिसको काफी इंतजार किया जा रहा है जिस फिल्म का, और उसका नाम है दोस्तों पुष्पा 2। तो पुष्पा 2 भी दोस्तों 6 दिसंबर को आ रही है, और इसका भी एक काफी ज्यादा इंतजार यहाँ पे किया जा रहा है, क्योंकि बहुत बड़ी फिल्म है और शूटिंग बहुत तेजी से इसकी चल रही है। और कहा जा रहा है कि इसका जो थर्ड पार्ट होगा तो उसका जो पोस्ट क्रेडिट सीन होगा तो उसमें एक बहुत बड़े कलाकार की एंट्री की जाने वाली है क्लाइमेक्स के अंदर। तो ये एक बड़ा इसमें एक पंच, एक बड़ा एक एक सॉलिड पैकअप डाल दिया गया है इसके अंदर। तो ये जरूर एक देखने की बात है कि ये कितना ज्यादा अट्रैक्ट करता है। वैसे भी पुष्पा 2 बहुत बड़ी फिल्म है और बहुत बड़े ये रिकॉर्ड से बॉक्स ऑफिस बनाने वाली है, इसमें कम से कम मुझे कोई दो राय फिलहाल नजर नहीं आ रही है। इसके अलावा दोस्तों जो फिल्म है जो बॉबी देओल और अपने जो पवन कल्याण सर की हरी हीरा वीरा मल्लू, उसका भी एक गाना दिवाली के टाइम पे देखने को मिलने वाला आपको, इसकी भी एक अपडेट आ रही है, और ये गाना खुद पवन कल्याण सर गाएंगे और MM करीम वाला इसका म्यूजिक कंपोज करेंगे। तो ये भी एक बड़ी खबर है, बहुत बड़ी फिल्म होने वाली है ये। चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। जय श्री राम जी बोले।